गाइस कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू केएसएफ एकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे। हम अभी जो एक महीने से हाइप बना के रखे थे डेवॉन वर्सेस डेनिस का, डेवॉन वर्सेस डेनिस का वो मैच फाइनली ओवर हो चुका है और सबसे पहले अब तक न्यूज ला रहे हैं हम। मैच स्टार्ट हुआ तो हमको लगा था कि डेवॉन लैरेट काफी ज्यादा माइंड गेम खेलने वाले हैं, बट वो काफी फोकस लग रहे थे हमको पूरे मैच में और डेनिस उनकी तरफ नजर भी नहीं लड़ा रहे थे मैच में। Devon was looking straight into his eyes, वो देख रहे थे, वो एकदम रेडी थे और डेनिस नहीं देख रहे थे। और मैच स्टार्ट हुआ तो हमको लगा था कि डेनिस काफी अच्छा खेलेंगे, बट पहला ही मैच पहले तो स्लिप हुआ, उसके बाद में स्ट्रैप पे Devon ने डेनिस को हरा दिया, लाइक 1-0। वी वर सो शॉक, मतलब जब स्लिप भी हुआ था तो हम लोग काफी शॉकिंग पे थे, क्योंकि Devon का जो वे था, जिस वे में उन्होंने खींचा था, हमको लगा था कि Devon की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है और उसके बाद में उन्होंने उसे प्रूव भी किया 1-0 पे। उन्होंने क्या किया था, डेनिस ने इतने पोजीशन पे लाके उसको होल्ड किया था एंड Devon बार बार उसे पुश कर रहे थे, एंड में उन्होंने 1-0 किया। सेकेंड आया, सेकेंड में सेकेंड मैच में पुल हो जाएगा, बट सेकेंड मैच वॉज सो शॉकिंग, उन्होंने डायरेक्टली पिन किया Devon ने डेनिस को 2-0 से। एंड जब वापस से मैच स्टार्ट हुआ, Devon हर बार विनिंग पोजीशन पे आ जाते थे और डेनिस उन्हें बस वहां पे जाके होल्ड करते थे। इट वॉज मोर लाइक कि वो वहां पे लाके हारने का वेट करते थे और Devon जब लास्ट मैच में वहां तक लेकर आए, फिर उन्होंने काफी तगड़ा वाला साइड प्रेशर लगाया था एंड लाइक विद इन सेकेंड्स उन्होंने पिन पैड पे टैप कर दिया था और डेनिस हार गए Devon। और जब लास्ट मैच हुआ था Devon वर्सेस डेनिस का, तो ऑब्वियस ही बात थी, अब जब 2-0 हो चुका है और Devon अच्छे से जीत रहे थे तो हमको लगा था कि Devon ही जीतेंगे, एंड वही हुआ, Devon जीत गए थे। बट कैसा हुआ कि जब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और एकदम एंड हो गया था, तो हमें पता चला कि वो Devon का फाउल था और जिसकी वजह से उनको वापस से मैच स्टार्ट करना पड़ा।